नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाहे कोई भी कितनी भी मांगे, ये चीजें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। कौन सी हैं वह चीजें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, धर्म पुराणों में कुछ काम करने की मनाही है। कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों का दान किया जाए तो घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, हमारे वेद और शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो सांसारिक जीवन जी रहे लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति सांसारिक मोह माया को छोड़कर जब इस संसार से चला जाता है तो उसके पार्थिव शरीर के साथ साथ उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को दूर करने की परंपरा है। दोस्तों, या तो इन वस्तुओं का दान दे दिया जाता है या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप खुद से जुड़ी चीजों का दान जीते जी कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, कुछ चीजें जिनका प्रयोग आप करते हैं या नहीं, उनका दान देना घर में दरिद्रता को न्योता देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको भूल कर भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए। नंबर एक, घड़ी। दोस्तों, घड़ी समय बताती है, अच्छा या बुरा ये आपकी परिस्थिति तय करता है। लेकिन घड़ी जिस भी व्यक्ति की है उसका उस पर पूरा असर पड़ता है। उस व्यक्ति को कलाई पर बांध कर प्रोफेशनल लाइफ में कई समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, हाथ में घड़ी बांधने से आप लोगों का लाखों का नुकसान हो सकता है। यदि आप अपनी घड़ी किसी को उधार देते हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपनी घड़ी कभी भी किसी को उधार या पहनने के लिए ना दें। नंबर दो, पैसे उधार देना। दोस्तों, शास्त्रों में धन को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। वह इसलिए क्योंकि धन सभी दुष्कर्मों की उत्पत्ति है। ये किसी को भी अपना बनाने नहीं देता। खास तौर से रिश्तों में धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धन आपसी प्रेम को खत्म कर देता है। वह कई घरों में धन ही मुख्य मुसीबत की जड़ माना गया है। धन भाई भाई में झगड़ा, दोस्ती रिश्ते और नातेदारी में क्लेश का कारण होता है। इसलिए दोस्तों, अपना कमाया धन दूसरों को देने से बचें। नंबर तीन, सगाई की अंगूठी। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो हर लड़की अपने होने वाले पति या फिर अपने प्रेमी से चाहती है। दोस्तों, प्यार का ये तोहफा उसके लिए सबसे खास होता है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए जितना हो उतना ही करे, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे। ज्यादा पैर फैलाना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी होती है। दोस्तों, आप अपनी पत्नी के लिए वही खरीदें जो आपकी लिमिट में हो। लिमिट से बाहर का खर्च उधार आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। नंबर चार, पेन, पेंसिल या कलम। दोस्तों, हमारे कर्मों को यमराज के चित्रगुप्त लिख रहे हैं। वही अपनी कर्मी सेवा से हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों या खुशियों का खाता तैयार करते हैं। दोस्तों, जीवन में भी कलम भी बड़ी महत्व है। अपना कलम किसी से बांटना या फिर किसी को उधार देना आर्थिक परिस्थितियों से उधार लेना है। इसलिए कभी भी किसी से ना तो पेन ले और ना ही अपना का पेन किसी को बांटें। दोस्तों, अगर आप अपना पेन किसी से बांटते हैं तो इस तरीके से आप अपना उसे यश मान सम्मान दे देते हैं। तो इसलिए किसी दूसरे को पेन देने से बचें और किसी और का पेन लेने से बचें। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।